योजनाओं के प्रचार प्रसार और सदस्यता अभियान के लिए कार्यालय का हुआ शुभारंभ। उतरौला बलरामपुर भारतीय जनता पार्टी के जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच में सुचारू रूप से पहुंचाने और सदस्यता अभियान के तहत लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए उतरौला तहसील के ठीक सामने कार्यालय का शुभारंभ भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह के कर कमलों से किया गया। यह कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और आरएसवी ग्रुप के अध्यक्ष राधेश्याम वर्मा की अगुवाई में किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार हर हर महादेव भारत माता की जय के नारों के बीच शाम भाजयुमो के अध्यक्ष वैभव सिंह की उपस्थिति में फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजयुमो महामंत्री वैभव सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का कार्य किया है। बिना भेदभाव के सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से सभी को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस कार्यालय का शुभारंभ किया गया है, जिसके लिए राधेश्याम वर्मा के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राधेश्याम वर्मा ने कहा कि सरकार की स्पष्ट नीति और जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज की पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उसका प्रचार प्रसार हो, इसके लिए यह कवायद प्रारंभ की गई है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व पत्रकार साथियों आम जनमानस के प्रति आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामप्यारे मास्टर विशाल वर्मा, लल्लन वर्मा, डॉक्टर पतिराम वर्मा, किशन वर्मा, सोहन वर्मा, विक्रम वर्मा, रजिंदर सिंह, अलिखराम वर्मा, नेताजी भानु वर्मा, श्रवण कुमार सोनी, राम प्रकाश यादव, त्रियोगी नाथ दुबे, घनश्याम वर्मा, विजयपाल वर्मा, गोमती यादव, जग प्रसाद वर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। मैं बहाना नहीं बनाऊंगा किसी भी कारण, लेकिन मैं लेट आया हूं और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ा और सबसे पहले तो मैं राधेश्याम वर्मा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसी कल्पना की। और हम सब राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैं हूं या मेरे जैसे जितने लोग इस क्षेत्र में हैं, बहुत कम लोग ऐसी कल्पनाएं करते हैं कि जिससे सीधे आम आदमी के जीवन में कोई परिवर्तन लाया जा सके। तो मैं राधेश्याम जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा एक सेवा का केंद्र उतरौला में स्थापित किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र के लोग बहुत जल्द यहाँ से सारी सुविधाओं का लाभ पाएंगे, सारी सेवाएँ उनको प्राप्त होंगी। और मैं भी वर्मा जी के संपर्क में हमेशा रहता हूँ, मेरे लायक भी अगर इसमें कुछ और बढ़ाना होगा, कोई ऐसी कोई मदद होगी तो मैं अवश्य उसको करूँगा। देखिए आज दीपावली का दिन है और आज से मुझे एक सीख भी मिल गई कि त्यौहार के दिन कार्यक्रम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जितनी बाजारें रास्ते में थी सब जाम थी। और मैं झूठ बोलने का बहुत आदी नहीं हूँ, लेकिन वर्मा जी जब भी पूछते थे तो मैं 15 मिनट आगे बता देता था कि इतनी दूर हूँ। तो वो राजनीति में आने के बाद थोड़ा बहुत बोलना ही पड़ता है। एक गाना है ना, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, तो उसी प्रकार मैं भी फंस गया था। और देखिए चुनाव की बेला है और मैं राजनीति कर रहा हूँ, इसलिए उससे भागना बड़ा कठिन है। और 2 महीने में आप सब चुनाव में चले जाएंगे और संभवतः आज से ठीक 2-3 महीने बाद मतदान का समय भी आ जाएगा। आपने हर प्रकार की सरकार उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं, कांग्रेस ने भी यहाँ बहुत दिनों अपनी दुकान चलाई, समाजवादी पार्टी ने भी काउंटर खोल के काफ़ी कुछ बेचा और बहुजन समाज पार्टी तो प्रसिद्ध है। उसके बाद 17 में आप लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी को अवसर दिया, योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को 5 साल होने जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात कह के आपको पूरी बात को मैं समझाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा अभी कल अयोध्या में दीपोत्सव हुआ, उससे एक दिन पहले मैं संत कबीर नगर गया था, वहाँ पे भी दीपोत्सव का कार्यक्रम था। आप याद कीजिए 17 से पहले, मुझे नहीं याद पड़ता, या तो प्रभु राम कभी आए होंगे अयोध्या तो इतने दीप जले होंगे, या योगी आदित्यनाथ ने इतने दीप जलाने का काम किया। यही नहीं, मैं एक छोटी सी स्थान पे गया था संत कबीर नगर में, वहां 51